महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए अधिकृत किया। क्योंकि भू संपदा विधेयक देश के गरीब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इस बिल में जो उपभोक्ताओं के लिए और गरीबों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, तो हमारी पार्टी इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करती है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस विधेयक को सरकारों को बहुत पहले लाना चाहिए था। यदि वक्त रहते ये विधेयक पहले से सरकारें पास करवा लेती तो शायद करोड़ों लोगों को सस्ते घर मिल सकते थे और करोड़ों लोग अपने साथ हुई बेईमानी से निजात पा सकते थे। महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ देश के करोड़ों लोगों के बर्बाद होने की बात इसलिए कह रहा हूं कि आज पूरे देश में लाखों बिल्डरों ने मकड़ी के जाले की तरह देश में अपना पूरा कारोबार वैध अवैध तरीके से फैला रखा है। और अगर हम देश के साथ साथ केवल NCR में ही देख लें तो हजारों बिल्डरों ने सरकारी गैर सरकारी जमीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मकान दुकान बनाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है और लागत से कई गुना ज़्यादा दामों में ज़रूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अपने मकान दुकान सेल कर रहे हैं। महोदय, आज हो ये रहा है कि बिल्डर बाजार में आता है, जमीन खरीदता है और बिना मकान दुकान बनाए, यहाँ तक कि बिना नक्शा पास करवाए बिक्री शुरू कर देता है और अपने कागजों पर बने मकानों दुकानों को बेचने के लिए टेलीविज़न अखबारों रेडियो होर्डिंग बैनरों के जरिए इतने बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करता है कि आम आदमी बेचारा इनके इस प्रचार के प्रभाव में आ जाता है और उधार कर्ज आदि लेकर मकान दुकान बुक करा देता है। लेकिन कई सालों तक उपभोक्ताओं को न तो उनका बुकिंग किया हुआ मकान मिलता है और ना ही पैसा। और मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि लाखों उपभोक्ता आज अपना पैसा बिल्डरों पर फंसा चुके हैं और बर्बाद हो चुके हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस समय सीमा के अंदर बिल्डर मकान दुकान बनाने का वादा करता है उस वादे को वो कभी पूरा नहीं करता और बाद में समय समय पर मकानों के दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं से ज़्यादा पैसा वसूल करता है। क्या सरकार उपभोक्ताओं के साथ होने वाली इस लूटपाट को रोकने का प्रबंध करेगी? और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने हैं जिनको इस विधेयक में शामिल होना था, जैसे नक्शे के विरुद्ध बनाए गए भवनों पर बिल्डरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और समय समय पर बिल्डरों के द्वारा मकान दुकानों के दामों को बढ़ाने की नाजायज प्रक्रिया को रोकने का कोई ठोस उपाय नजर नहीं आया है। काशन महोदय, यदि कोई उपभोक्ता अपने द्वारा बुक किए गए मकान या दुकान को आर्थिक तंगी के कारण नहीं खरीद पाता तो उसके पैसे वापस मिलने का कोई समाधान इस विधेयक में नहीं है। सवाल, क्या सरकार उपभोक्ताओं के इस व्यापक हित के लिए कोई ठोस कानून बनाने का विचार रखती है? मंत्री जी इसका विस्तार से वर्णन करें। माननीय, और भी कई महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिन्हें मैं आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूं। जैसे हमारे देश में बड़ी तादाद में गरीब लोगों की आबादी निवास करती है लेकिन उनके आशियाने के लिए केंद्र सरकार या सूबे की सरकार या बिल्डरों के पास कोई रोड मैप नहीं है, तो मैं सरकार के से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भवन या दुकान आदि बिल्डर बनाते हैं उसमें एक निश्चित तादाद में भवन या दुकान देश के गरीब लोगों को निःशुल्क देने का प्रावधान जरूर होना चाहिए। क्योंकि हो ये रहा है कि बड़े बड़े पैमाने पैसे वाले बिल्डर शहरों में आते हैं और सरकारी गैर सरकारी जमीन खरीदकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर महंगी कीमत में बेच जाते हैं और गरीब बेचारा हाथ मलता रह जाता है। और ख़ास तौर से सबसे बुरा हाल उस किसान का होता है
जिस किसान की जमीन को एक्वायर करके सरकारी अथॉरिटी या बिल्डर विकसित करते हैं, किसान के लिए उसके पास कोई लाभकारी योजना नहीं होती, ना तो वह मकान और ना ही रोजगार देने की योजना है। तो मैं सरकार से ये भी किसान की जमीन पर मकान दुकान बनती है उसमें एक मकान दुकान। नथिंग एल्स विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू प्लीज स्पीक। थैंक यू।